धर्मपुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सेहू में एक आयुर्वेदिक अस्पताल भी है, लेकिन इस अस्पताल की इमारत इतनी दयनीय हालत में है कि इमारत कभी भी ढह सकती है। अधिक जानकारी देते हुए भाजपा अध्यक्ष गोविंद राम ने बताया कि इस अस्पताल का निर्माण 1990 में हुआ था और इस अस्पताल की इमारत की मरम्मत के लिए अब तक किसी भी तरह का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इतनी खस्ता हालत है हॉस्पिटल की, देखें आप, और उसकी जो बिल्डिंग है जर्जर है कि वो किसी वक्त भी गिर सकती है। दरवाजे टूटे हुए हैं, खिड़कियाँ टूटी हुई है। अब किसी प्रकार का कोई फंड इनके पास नहीं है, आयुर्वेदिक के पास। हाँ, इनके लिए कुछ एक बार फंड आया था 5 लाख रुपए का, परंतु वो एक विभाग में कई ऑब्जेक्शन लगा कि ये जमीन जो है वो स्वास्थ्य विभाग के अंडर है, स्वास्थ्य विभाग के नाम पर है, आयुर्वेदिक के नाम पर नहीं है और धनराशि नहीं हुई। परंतु मैडम, 1997 में सरकार ने, हिमाचल प्रदेश सरकार ने के सचिवालय से ये आदेश हुए हैं सेक्रेटरी साहब के, कि जो भी सरकार स्वास्थ्य, जब दो दो विभाग अलग अलग हुए थे, तो जो भी विभाग आयुर्वेदिक, जो भी स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर जमीन है उसको आयुर्वेदिक के नाम पर ट्रांसफर कर दिए जाए, और शो के लिए भी यही आदेश थे। परंतु 1997 से अब तक वो भूमि जो थी, वो भूमि जो है आयुर्वेदिक के नाम पर नहीं हुई। हमने ये आदेश भी लेकर दिए, और हम, मैं और साथ में उप प्रधान ग्राम पंचायत से हो, हम और डॉक्टर साहब को लेकर के इनके BMO के पास गए सर्कल घाट में, और फिर हम SDM के पास गए। SDM से हमने पूरी स्थिति बताई, उनको 1997 का वो लेटर भी दिया, और अब SDM साहब ने वो पत्र जो है वो हमें यहाँ की, परंतु उसके बाद वो इंक्वायरी के लिए या पटवारी के पास आया। पटवारी जी ने ये रिपोर्ट दे दिया कि ये यहाँ पर आयुर्वेदिक की बिल्डिंग है, आयुर्वेदिक का विभाग चल रहा है, यहाँ डॉक्टर है, और उस परंतु खस्ता निकाल कर अब ये जो जमीन है वो स्थानांतरित की जाएगी। अभी तक ये कोई उम्मीद नहीं है, परंतु किसी कारण से अभी तक हो नहीं, या इसका पता नहीं चल रहा है। हम, मैं मैडम, ये विभाग, मेरे विभाग से या माननीय मुख्यमंत्री से या सरकार से मेरा निवेदन है कि इस भूमि को जो कि आयुर्वेदिक की है, उस भूमि को आयुर्वेदिक के नाम पर की जाए।